मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है उद्योगों को लेकर, छोटे जो व्यापारी हैं उनको लेकर और मजदूरों को लेकर, और अहम चार यहां पर बड़े बदलाव किए हैं। इन चार बड़े बदलाव के अलावा किन किन यहाँ पर नई योजनाओं को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। बता दें कोरोना काल के दौरान यहाँ पर संविदा स्वयं विनिमय एवं प्रतिबंध अधिनियम 1970 में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में बड़ा बदलाव, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में, और जिन कानूनों में केंद्र सरकार को बदलाव के अधिनियम अधिकार है उनके प्रस्ताव केंद्र को भेज दिए गए हैं। तो ये बड़ा बदलाव यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार, कमलनाथ सरकार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की बनी है, उसमें बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। बता दें मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने उद्योगों धंधों को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा यहाँ पर कई और अहम फैसलों को भी हरी झंडी दिखाई है, जिनमें अगर बात करें तो फैक्ट्री लाइसेंस का रिन्यूअल अब 10 साल में होगा, पहले 1 साल में कराना होता था। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए बड़ा यहाँ पर फैसला है। कॉन्ट्रैक्ट लेवल एक्ट में संपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा लाइसेंस, नए कारखानों पर पंजीयन किया लाइसेंस ऑनलाइन मिलेगा, और वो भी एक दिन के अंदर आपको ये नया लाइसेंस मिल जाएगा। स्टार्टअप उद्योगों को ऑनलाइन लाइसेंस से फायदा मिलेगा। स्टार्टअप उद्योगों के लिए लाइसेंस रूल के प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। दुकान स्थापना अधिनियम में बड़ा बदलाव, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दुकान खोल सकते हैं, तो बड़ा ऐलान यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर बात की नियोजित थर्ड पार्टी से कारखानों का निरीक्षण करा सकेगा, और यहाँ पर थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन अब मुंबई में नहीं होगा बल्कि मध्य प्रदेश में ही होगा। अब एमपी से लेकर कमिश्नर रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत यहाँ पर लेबर कमिश्नर दफ्तर से किया, जैसा कि थर्ड पार्टी निरीक्षण का रजिस्ट्रेशन श्रम कानूनों में सट रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट जाने की अनिवार्यता खत्म हो चुकी है। उद्योग विवाद अधिनियम के अंतर्गत दंड की धारा में जहां पर अगर बात की तो प्रावधान के लिए कोर्ट जाने की झंझट से मुक्ति के प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। सैलरी ठीक से मिले इसके लिए उद्योग श्रमिक को चयन कर सकेंगे। 100 से कम श्रमिक के साथ काम करने वाले उद्योगों को औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधान से मुक्ति है, और उद्योगों को अपनी जरूरत के मुताबिक श्रम रखने की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। उद्योगों को 100 से अधिक श्रमिक होने पर कानून लागू होगा। फैक्ट्री एक्ट प्रावधान के अंतर्गत बिजली से चलने वाली इकाइयों को 10 श्रमिक से बढ़ाकर 50 श्रमिक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। कारखाना अधिनियम में बिजली के बतौर चलने वाले उद्योगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 20 श्रमिक की सीमा हटाने का प्रावधान भी केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। ठेका श्रमिक को 20 श्रमिक पर पंजीयन करने का प्रावधान खत्म है, अब सीमा बढ़ाकर 50 श्रमिक कर दी गई है। तो ये मध्य प्रदेश का एक कह सकते हैं कि बड़ा ऐलान है मध्य प्रदेश सरकार का, क्योंकि कोरोना काल में एमपी सरकार की उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किया, जिनमें चार यहां पर सरकार ने बड़े कानूनों में बदलाव कर दिया। फैक्ट्री लाइसेंस रियल अब 10 साल में होगा। इसके अलावा अतिरिक्त समय के लिए मजदूरों को देना होगा ओवर टाइम, जो कि मजदूर के लिए टाइम फिक्स किया गया जिसमें 8 से 12 घंटे का है, और इसके अतिरिक्त अगर मजदूर काम करता है तो उसके लिए अलग से आपको ओवर टाइम भी देना होगा। उद्योगों को 3 महीने के लिए ये बड़ी रियायत है, और यहाँ पर रियायत दी गई है मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान है, जो कि उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। फिर भी आपको क्या लगता है, आप रिया कमेंट बॉक्स में रखिए, और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।